आप सबके अपने चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली करेले के भरवे की रेसिपी। जो लोग सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। आज हम बिना लहसुन प्याज और टमाटर के करेले की भरवा बनाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 करेले लिया है। तो सबसे पहले हम करेले का छिलका हटा लेंगे। करेले के छिलकों को मैंने अलग कर लिया है। ये देखिए करेले का ये जो छिलका है इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम करेले को कट करेंगे। ये देखिए इसे हमें बिल्कुल इस तरीके से कट करना है और करेले का जो बीज है इसको हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम सारे करेले को कट कर लेते हैं। सारे करेले को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब हम इसके बीज को निकाल लेंगे। ये देखिए सारे बीज को मैंने अच्छे से निकाल लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हम करेले का बीज लेंगे और इसे इस तरीके से हम काट लेंगे। ये देखिए मैंने बीज को एकदम छोटा छोटा काट लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने करेले को लिया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक लिया है। नमक में हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक करेला लेंगे, हल्दी और नमक को इस तरीके से अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने हल्दी और नमक को अच्छे से करेले में लगा लिया है, आप देख सकते हैं। इसे हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर छिलके को लेंगे, इसको मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और छिलके को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और इस तरीके से हम इसको हाथों की सहायता से पानी को अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने छिलके को पानी में से अच्छे से निकाल लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये जो करेले का कड़वा पानी है इसको हम फेंक देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अब हम करेले को लेंगे और इसे भी हम पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे। पानी को हम अलग कर लेंगे। तो हम इस तरह से दोस्तों निचोड़ लेंगे। ये देखिए पानी को हम फेंक देंगे। इसमें क्या क्या मसाले पड़ेंगे दोस्तों आइए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सौंफ लिया है, सौंफ को मैंने कूट लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर दोस्तों मैंने नींबू लिया है, अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप आमचूर का पाउडर डालिएगा। और साथ ही में यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच चना, चने को मैंने भून लिया है। एक मिक्सी जार लेंगे और मसाले को हम अच्छे से पीस लेंगे। चने को भी डाल देंगे। अब हम मसाले को अच्छे से पीस लेंगे। पर मैंने सारे मसाले को अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए। अब चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। कढ़ाई में सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये जो करेले का छिलका है इसको डाल देंगे। करेले के बीज को भी डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें नींबू के रस को डाल देंगे। नींबू का बीज मैंने निकाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मैंने लो फ्लेम पर भुना है दोस्तों। अब हम इसमें पीसे हुए मसाले को डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मसाले को मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। ये जो मसाला है अच्छी तरह से भून चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और मसाले को हम ठंडा होने देंगे। अब हम यहाँ पर करेले को लेंगे। यहाँ पर मसाला भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। सबसे पहले हम ये जो करेले का किनारा है इसको हम इस तरीके से काट लेंगे। ये देखिए सारे करेले को मैंने अच्छे से काट लिया है। अब हम मसाले को भरेंगे। मसाले को हमें अच्छे से भरना है। सारे मसाले को हम करेले में अच्छे से भर लेते हैं। मैंने सारे करेले में मसाले को अच्छे से भर लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए
अब चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है दोस्तों, पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर हम इस तरीके का थाली लेंगे और इसे हम थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, तो इसे हम कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। अब हम करेले को रखेंगे और इसे हम 20 मिनट के लिए ढक करके इसी तरह से छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, चलिए करेले को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए करेला हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। यहाँ पर हम फिर से चूल्हे पर कढ़ाई को बैठाएंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें करेले को डाल देंगे। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है दोस्तों, इसे हमें सेलो फ्राई करना है। तो इसे हम नीचे की तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसे पलटते हुए दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सभी को मैंने अच्छे से पलट लिया है, अब दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे हमें फ्राई दोस्तों एकदम लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। अब इसे हम फिर से अच्छे से पलट लेंगे। इसे दोस्तों हम हल्का साइड से भी सेक लेंगे। मैंने चारों तरफ से करेले को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब ये जो करेला है अच्छे से पक चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। ये जो करेले का भरवा है दोस्तों, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये जो हमारा करेले का भरवा है कितना स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ होगा। करेले का भरवा गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है दोस्तों। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल रिंकू की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, वो भी एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।